रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आई एम योर मैथ टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर थ्री एंड यूनिट नेम इज़ फ्रैक्शन, पेज नंबर 119 and 120। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज बुक, पेज नंबर 119। लेट्स सी ऑन व्हाट इज़ पेज नंबर 19। ओके, हैव यू ओपन योर बुक? सबसे पहले तो आपने ऊपर डेट एंड डे पुट करनी है आज की, ठीक है? हमेशा याद रखें, अपनी बुक पे आपने रोज़ जो भी काम करना है, कॉपी पे करना है, बुक पे करना है, डेट एंड डेज रिपोर्ट करनी है। ओके, लेट अस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस पेज है आपका, ठीक है? व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पेज, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने वो कैसे सॉल्व करने हैं। वर्क दीज आउट। 1/2 ऑफ 6 केक्स इज इक्वल टू, दो आप लोगों को ब्लैंक्स दी गई हैं और आगे बताया गया है कितने केक्स हैं इसमें। सो ये कैसे करना है? अब यहाँ पे जो ऑफ आ रहा है, आपने देखा है सब क्वेश्चंस में ऑफ आ रहा है, 1/4 ऑफ, 1/3 ऑफ, 1/5 ऑफ। बेसिकली जो ऑफ है ना, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन होती है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? सो 1/2 इज मल्टीप्लाई विद 6, वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब आप देखें, यहाँ पे 6 के नीचे तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, 6 एक सिंगल डिजिट दिया गया है, यहाँ पे फ्रैक्शन दी गई है, यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया गया है, ठीक है? सो आपको मैं रफ पेज पे करके दिखाती हूँ, लाइक दिस 1/2 ऑफ 6 केक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक एंड देन ब्लैंक। अब ये देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 केक्स। अब 6 के नीचे तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर में 1 है, नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे तो जो 6 है, तो हम क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर में एक 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 2 के साथ। 6 1 6 एंड 2 1 2, तो 6/2। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बीच में लाइन होती है, ये रिप्रेजेंट करती है डिवीजन को। दैट मीन्स डिवीजन, 6 इज़ डिवाइडेड बाय 2, 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 पे, ठीक है? हमने इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है? 6 इज़ डिवाइडेड बाय 2, जो भी न्यूमिनेटर में होता है दैट इज़ डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो हमने इस ब्लैंक के अंदर पहले तो इसको इक्वेशन बनानी है, ठीक है? 6 इज़ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? उसके बाद फिर हमने 6 को 2 पे डिवाइड करके देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। डिवीजन तो आप सबको अच्छे से आ गई है ना, ठीक है? 2 3 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है? सो ये जो 3 है, ये आपने इसके अंदर लिखा 3 केक्स, लाइक दिस, ठीक है? आप लोगों को ये मैंने पूरा प्रोसीजर करके दिखाया है। अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि आपको 1/4 ऑफ 8 बंस दिया गया है, सो 8 डिवाइडेड बाय 4, लाइक दिस, ठीक है? अब 4 के टेबल में 8 कहाँ पे डिवाइड होता है? 4 1 4 4 2 8, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हाउ मेनी बंस? 2 बंस, ठीक है? इसी तरह 1/3 ऑफ 15 के टेंस, ठीक है? सो व्हाट इज डिवाइडेड बाय 3? 15 इज डिवाइडेड बाय 3, लाइक दिस, ठीक है? तो 15 कहाँ पे आता है? डिवाइड हो जाता है 3 के टेबल में। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 5 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है? और नेक्स्ट वाला आपने खुद करना है। एक प्रोसीजर मैंने आपको ये करके दिखाया है, ये आपका रफ वर्क है, रफ पेज आपने साइड पे रखना है अपने, उस पर आपने इस तरह से करते जाना है। और एक तरीका मैंने आपको शॉर्ट जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी आवर्स इन, अब वो कह रहा है कि कितने आवर्स होंगे हाफ डे में, ठीक है? ये करके दिखाया है। मैं सेकंड पे आती हूँ, पार्ट बी पे, 1/4 डे। अब आपको यहाँ पे हिंट दी हुई, आपने साइड पे देखा है, हिंट मिली हुई आपको, 24 आवर्स मेक 1 डे, यानी एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, हमने किसके साथ डिवाइड करना है, उसके साथ क्या डिवाइड करेंगे जो हमारे आवर्स हमारे बाकी के निकलेंगे। तो यहाँ पर डे की बात हो रही है, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। सो 24 इज़ डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है। इस तरह से आपने करना है कि आप लोगों को जो यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, डे होगा, वीक होगा, आवर्स होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा, आपने उस हिसाब से देखना है, ठीक है। अब आपका वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 24 को आपने डिवाइड कर दिया 4 पे, अब 4 के 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यस हो जाता है 4 6 24, ठीक है। इसी तरह वन थर्ड डे, अब वन थर्ड डे में कितने आवर्स होंगे, तो अगेन वन डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 8 पे, लाइक दिस, ठीक है। हमेशा ये चीज़, ये हिंट्स जो हैं, ये आपने याद करने हैं, इनको आपने याद रखना है, इन्हीं हिंट्स के थ्रू आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टूअर्ड्स पेज 120,